सूर्योदय से पहले हमको उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले हमको उठ जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद तक हम खर्राटा बजाए के सोई रहे हैं। तो आजकल तो ज्यादा महाराज रात्रिचर हो गए, रात्रिचर जिनको निशाचर बोला जाता है, वो रात को चलते हैं दिन भर सोते हैं। तो भैया जो रात भर जागत है उनका दिमाग कुछ दिन में खराब हो जाएगा, इसलिए रात को सोना बहुत जरूरी है। एन केन प्रकारेण चाहे जैसे रात को सो, अगर रात को जग लिए तो दिन में सो करके आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए जरूर रात को सोइए। रात सोने के लिए ही बनाई गई है। तो सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए सब। और घर में पति से पहले पत्नी को उठ जाना चाहिए, है कि नहीं? पति से पहले किसको उठना चाहिए? पत्नी। पहले पत्नी को उठना चाहिए कि पहले पति को उठना चाहिए? एक जगह गए थे महाराज हम दिल्ली, ऐसा जमाना आ गया है कि आजकल औरतें 7 बजे भर सोती हैं और आदमी 6 बजे उठ के बर्तन वर्तन मांज के झाड़ू पोछा लगा के रख देते हैं। हम अपने आंखी से देख के हम तो चकराएंगे, हमारा दिमाग खराब होगा साहब। गए दिल्ली एक लोगों के यहां रुके, प्रोग्राम था 2 दिन का, प्रोग्राम करने के लिए गए थे। अब देखो कहेंगे तो वो तो जान ही जाएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो गए तो सुबेरे उठे हम तो देख रहे हैं कि उनका श्रीमती जी सोई रही है और आदमी किचन में बर्तन मांज रहा है। तो हम तो चले गए क्योंकि किचन के बगल से ही जाकर के बाथरूम में हमें नहाने जाना था। तो देखे वो बर्तन मांज रहा है आदमी, तो उस समय हम नहीं बोले। तो जब दोपहर हुआ प्रोग्राम करके लौट के आए तो हम कहे कि सुबह देख रहे थे कि आप बर्तन मांज रहे थे। हाँ महाराज जी, काम में हाथ बता देते हैं हम भी थोड़ा। हम कहे चोर कहीं के, ये तुमको हाथ बताना था? और पत्नी आराम से 8 बजे चाय बना करके ले जा करके, देवी उठो चाय पियो, हमके धन्य हो ऐसे पत्नी भगवान सबको दे। ऐसे पत्नी सबको दे कि ऐसे पति सबको दे? भगवान ऐसे दूल्हा सबको दे कि भैया झाड़ू पोछा करके चाय बना के ले जाके जगाए। तो इसलिए पति से पहले पत्नी को उठना जाना चाहिए, स्त्री धर्म कहता है। क्यों? उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊं। पत्नी को उठ जाना चाहिए इसलिए क्योंकि पति उठे तो उठ करके किसको देखेगा? पहले तो घर में तो तुम ही हो, तुम ही को देखेगा। और ऐसा भी प्रमाण आता है कि चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो आप लोग गुस्सा जाएंगे ना। सुबह पत्नी को पहले उठना चाहिए क्योंकि जब सुबह उठ करके श्रृंगार की हुई स्त्री के मुख का दर्शन जब पति करता है तो पति का दिन अच्छा व्यतीत होता है, कोई दुर्घटना नहीं घटती है। क्या होता है? कोई दुर्घटना नहीं घटती। इसलिए देखो जो हमारे हम लोगों की दादी अम्मा लोग थी, सुबह उठती थी खाट से तो पहले अपनी टिकुली देखती थी, माथा पकड़ कर देखती थी कि हमारी टिकुली है कि नहीं, बिंदिया जो लगाई रहती थी कहीं खाट पर गिरी रहती थी या दीवार में चिपकाई रहती थी तो लगा करके तब उठती थी। क्यों? क्योंकि हमारा पति उठेगा और हमारा खाली माथा देखेगा तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए स्त्री का माथा कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर पति उठ करके देखे तो उसके माथे में बिंदिया तिलक कुछ भी होना चाहिए, खाली माथा पति को नहीं दिखाना चाहिए।
इसलिए पत्नी को सुबेरे सुबेरे उठ करके और स्नान ध्यान करके सुंदर श्रृंगार करके तब देवताओं को जगाना चाहिए। उठो प्रभु, उठो। ऐसा करने से देखो भाई, आपस में एक लोग अभी आए थे परसों, अब यही होंगे इसलिए हम नहीं नाम ले रहे, नहीं कहेंगे महाराज हम आप पोल खोल रहे हैं। बोले महाराज हमार पत्नी से पटता नहीं है। तो भैया जेकर जेकर पत्नी से नहीं पटता है पटो, ठीक ना, अच्छे से रहो परिवार में। और हम अभी कुछ देर पहले ही बोले कि अपने संबंधों को दूसरों के चक्कर में बिगाड़ो मत। हम जरूर ये कहेंगे अपने पति अपने परिवार पे अपने सास ससुर पे ध्यान दो, और मायके वालों के चक्कर में और साढ़ू सड़ूनी के चक्कर में मत पड़ जा, और ना घर बर्बाद हो जाए कतौ को न हो बजा। इसलिए आपस में मिल करके रहिए, यही जीवन है। जितने दिन का जीवन है पति पत्नी को बहुत खुश होकर के ही रहना चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं कब तक साथ है, कोई जानता थोड़ी है। इसलिए जब तक है खुश होकर के रहिए। और लड़ाई झगड़ा तो हमें तो नहीं लगता कि करना चाहिए, और कुछ लोग तो लड़ाई कर लेते हैं तो एक आध महीना सुने हैं बातचीत नहीं होती है, और उही में कौनो टपक गए तो क्या होगा, फिर जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसे लड़ाई हो भी तो भैया एक आध दो घंटा के लड़ाई तो होगी, खैर थोड़ा मन मुटाव होगा, लेकिन एक आध घंटे में मामला सिलता लेना चाहिए।